हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। शुरुआत में हमने जब स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे तो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था पॉलिटी का, अनुसूचियां शेड्यूल्स, उसको आप देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। उसके बाद में हमने जब पढ़ा तो हमने पढ़ा संविधान सभा, दो क्लासेस संविधान सभा की, उसके बाद में संविधान की प्रमुख समितियाँ, और उसके बाद में हमने शुरू किए मौलिक अधिकार, दो क्लासों में मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व है, और फिर मूल अधिकार, फिर राष्ट्रपति की दो क्लासें हैं, फिर एक उपराष्ट्रपति की क्लास है। आज पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इस टॉपिक से जो प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, कॉन्सेप्ट के प्रश्न बनेंगे। बहुत कम चांस है कि कोई अनुच्छेद पूछे आज की कक्षा से, हो सकता है पूछेगा तो एक पूछ लेगा कि अनुच्छेद 74 में क्या है। बाकी इस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे वो सारे कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, कॉन्सेप्ट पर आधारित बनेंगे। उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे आज कि क्या क्या इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है किंतु महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्येक एग्जाम के नज़रिए से, और बेहद शानदार तरीके से एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बनाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए प्रधानमंत्री, सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। देखो मंत्रियों की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, मंत्रिमंडल की बात करेंगे। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान कौन होगा, इसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसका मतलब मंत्रियों का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, वही भारत का प्रमुख होगा। तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी इसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसका मतलब प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 74 में। किसका अनुच्छेद है, इसका उल्लेख है प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में। ठीक है, आगे मंत्रिपरिषद में कौन कौन होंगे, मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। मुख्य मतलब मैन जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनमें जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये हो गए कैबिनेट मंत्री में मुख्य। इनकी सहायता के लिए कौन कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे। ठीक है, ये तो होगी एक मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी। जब बात आती है मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल में कौन कौन आएगा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आएंगे, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में कौन कौन आएगा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आगे इनकी नियुक्ति कौन करता है, अर्थात प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। लोकसभा में जिसका बहुमत दल का नेता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और वो कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति, और वैसे कार्यकाल कितना है प्रधानमंत्री का, 5 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शपथ लेगा, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, अर्थात सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलवाएगा। और किस अनुच्छेद में है, 75(4). ठीक है, देखो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, यदि ना है तो 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करें। देखिए यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, यदि वह संसद के किसी अंग अर्थात राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे क्या करना होगा, उसे 6 माह के अंदर किसी सदन की, राज्यसभा या लोकसभा की क्या करनी होगी, सदस्यता प्राप्त करनी होगी, चाहे वो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। किसमें कहा गया है, 75(5) में। अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि 6 माह के अंदर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री रहे, अधिकांश प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य होते हैं, किंतु जो राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री रहे उनमें इंदिरा गांधी है, HD देवगौड़ा है, इंद्र कुमार गुजराल है और मनमोहन सिंह है। इसको बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो देख के चल जाना कि इंदिरा गांधी है, HD देवगौड़ा है, इंद्र कुमार गुजराल है, मनमोहन सिंह है। ठीक, त्यागपत्र, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री अर्थात सभी मंत्री और प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देंगे,
तो किसे देंगे बताइए? राष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। जो नियुक्ति करेगा उसी को देंगे। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, इसका मतलब है मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका मतलब है कि कोई एक मंत्री किसी भी आरोप में बर्खास्त किया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसके साथ वो एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब है कि किसी एक मंत्री को हटाया जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी, हटा दी जाएगी। और व्यक्तिगत रूप से अर्थात कोई भी एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से यदि त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को दे सकता है। और सामूहिक रूप से इसका मतलब है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार मूल संविधान में इसके बारे में नहीं कहा गया है कि कितने मंत्री होंगे, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री होंगे, किंतु हमने क्या किया, 91वां एक संविधान संशोधन किया 2003 में, और लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री होंगे। कितने होंगे? लोकसभा की संख्या का 15% मंत्री होंगे, और वर्तमान में कितने मंत्री हैं? 83। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की इसको सलाह है, कैबिनेट मंत्री को सलाह कौन कौन देंगे मैंने बताया पीछे, राज्य मंत्री देंगे और उपमंत्री देंगे। ठीक है, नोट है, राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं ले सकते। जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं ले सकते, अर्थात जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बैठक करेंगे तो उसमें राज्य मंत्री उपमंत्री भाग नहीं लेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। तो देखिए आप, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट के प्रश्न बनेंगे। अनुच्छेद याद करो तो एक याद कर लेना, 74, राष्ट्र की सहायता हेतु कौन होंगे? मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस क्लास को दो बार देखिए, एक बार दो बार देखिए, और जो है क्लास है ये नोट्स मेकिंग पैटर्न आधारित क्लास है, तो नोट्स भी बनाइए। आप ध्यान रखिए कि पोस्टल एग्जाम्स में या फिर अन्य कोई भी एग्जाम है राज्य के, तो यदि इस क्लास को देख लिया तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से इससे बार सवाल नहीं जाएंगे, कोई भी प्रश्न आप मन बन जाए नहीं जाएंगे। एसएससी वगैरह में भी इस ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब पीछे एसएससी सीजीएल के पेपर हुए हैं तो हमारी क्लास से एज इट इज सवाल आए हैं, तो हमारे कंटेंट पर आप विश्वास कीजिए और स्टडी पॉइंट आरसी के साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक जिसमें बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची, अर्थात जिस किस प्रधानमंत्री ने कौन सा कार्य किया, उनके व्यक्तिगत रूप से क्या क्या कार्य किए गए जो भारतीय के राजनीतिक नज़रिए से महत्वपूर्ण रहे, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।